नमस्ते बच्चों, 3.2 का अपन दूसरा सवाल करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो आपको तीन कोई से भी विषम संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली एक, ले ली तीन, ले ली पाँच, सात, नौ, ग्यारह, कोई से भी इनमें से मैं तीन विषम संख्या लूँ और उनको प्लस करूँ। जैसे मैंने तीन ही ले ली, तो इनका पाँच, तीन, आठ और एक, नौ। तो ये क्या है इसका योग? नौ क्या है? एक विषम संख्या है, तो इसका योग सम होता है क्या? नहीं, विषम भी हो सकता है। जैसे मान लो ये तीन संख्या ले ली, कोई से भी ले ली, पाँच, सात, नौ, तो नौ और सात सोलह, सोलह और पाँच इक्कीस, ये भी क्या आई? विषम आई। तो इसमें लिखा हुआ है तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो ये कथन क्या हुआ आपका? सत्य। बी, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग, एक सम संख्या का योग सम होता है। ठीक है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम ले ली, जैसे मैंने एक और तीन ले ली और एक ले ली मैंने सम संख्या दो, तो इनका योग करें, तीन और एक चार, पाँच छः, तो इसका योग क्या आया? सम आया। ठीक है, और भी ले सकते हो, जैसे मान लो तीन, पाँच और छः, ये दोनों तो है विषम और ये है सम, इनको जोड़ के देखें, पाँच और तीन आठ, आठ में छः जोड़े चौदह, तो ये भी क्या आई? सम। और ये भी क्या आई? सम आई। तो अगर हम दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या को जोड़ें तो इनका योग क्या आता है? सम आता है। तो ये कथन भी क्या हुआ आपका? सत्य। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। ठीक है, चाहे आप और उदाहरण ले सकते हो, जैसे एक और नौ, दो ये विषम संख्या है, इसमें मैंने सम संख्या जोड़ी, तो क्या आएगा? ये भी सम ही आएगा। सी, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ठीक है, तो तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये तो अपने असत्य आया था ना पहला, तो दूसरा सत्य आया, तीसरा तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो तीन विषम संख्याएं कोई सी भी ले ली, मैंने एक ले ली, तीन ले ली और पाँच ले ली, इनका अगर हम गुणा करें तो क्या विषम आएगा? क्या देखिए, पाँच थी पंद्रह, पंद्रह एकम पंद्रह, और भी लेके देख लो, पाँच विषम है, सात विषम है और तीन, तो सात पंजे पैंतीस, पैंतीस को तीन से गुणा किया, पाँच थी पंद्रह के पाँच, क्या आई? विषम ही आई। तो ये भी क्या हुआ आपका? कथन सत्य है। अब है इसका डी वाला, यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम आता है क्या? तो ये कथन क्या है आपका? असत्य है, क्योंकि जैसे सम संख्या चार है, चार में मैंने दो का भाग दिया, क्या आया? दो आया, तो भागफल क्या आ रहा है? ये सम आ रहा है, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है? विषम। तो ये कथन क्या हो गया आपका? असत्य। ई, सभी
अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ये कथन भी क्या है आपका आ सकते हैं, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है, दो क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या है ये सम है, ठीक है। तो जबकि ये कह रहे हैं सभी अभाज्य संख्या कहाँ, दो एक अभाज्य संख्या है जो कि सम है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है विषम है, सभी अभाज्य संख्या है विषम है, नहीं दो भी है जो कि एक क्या है सम है, तो ये कथन क्या हुआ आपका असत्य, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। देखो अभाज्य संख्या के गुणनखंड तो होते ही हैं, अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, एक तो होता है स्वयं और एक होता है एक, तो अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड तो होते हैं, इसमें तो लिखा है कोई गुणनखंड ही नहीं होते, तो ये कथन भी क्या हुआ आपका असत्य। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, तो देखो ये कथन भी क्या है आपका असत्य है, कारण दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। देखो दो अभाज्य संख्या ले ली मैंने, एक एक तो अभाज्य, एक तो कुछ ही नहीं होती, दो और तीन इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया पाँच, तो दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ क्या सम आ रहा है क्या, नहीं विषम भी आ सकता है, तो ये कथन क्या हुआ आपका असत्य हुआ। केवल दो ई एक सम अभाज्य संख्या है, ये बात सत्य है, क्योंकि दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो सभी विषम होती है, लेकिन दो ही क्या है एक सम भी है और अभाज्य भी है, मतलब दोनों ही चीज़ें सम भी है और क्या है अभाज्य भी है, ठीक है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं, सभी सम दो तो क्या है सम संख्या तो है, लेकिन ये कौन सी संख्या है आपकी अभाज्य संख्या है, सबकी क्या बोल रहे हैं कि सम यानी कि दो संख्या भाज्य संख्या है क्या, नहीं अभाज्य है, तो ये कथन क्या हो गया आपका ये भी असत्य हो गया, सत्य नहीं है ये। जे दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, दो सम संख्याओं का गुणनफल, दो सम संख्याएं ले ली जैसे मैंने दो ले ली और चार ले ली, इनका गुणनफल क्या क्या किया आठ, ये भी सम है, और भी उदाहरण ले सकते हो छः और बारह, बारह छिक्के बहत्तर, ये भी क्या आया सम, तो ये कथन क्या हुआ आपका सत्य हुआ कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है सम होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, अब दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में
दो अंक एक तथा तीन है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। आपको 100 तक में ऐसे अंक ज्ञात करने हैं कि एक दूसरे के उल्टे हो, जैसे 13 का उल्टा करा तो 31, और दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो आपको ऐसे 100 तक की संख्याओं में ऐसे जितने भी युग्म आते हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। तो पहला आंसर होगा इसका 17 और 71। आपको पता है एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों क्या हो गई, अभाज्य संख्याएँ हो गई। 37 और 73, ये दोनों भी क्या हैं, अभाज्य संख्याएँ और एक दूसरे के विपरीत है। तीसरा है 79 और 97, ये दोनों भी क्या हैं, 9 और 7 16, इनमें भी किसी का भाग नहीं जाता और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई, उल्टा, 7-9 का उल्टा 9-7 हो गया, और ये क्या है, अभाज्य संख्याएँ। तो आपको 100 तक में ऐसे तीन ही जोड़े मिलेंगे जो एक दूसरे के ऐसे विपरीत हों, उल्टे हों, जैसे 17 का उल्टा 71, 37 का उल्टा 73 और 79 का उल्टा 97। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका। अब अपन करेंगे इसका चौथा सवाल। 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। सबसे पहले अभाज्य और फिर भाज्य। अभाज्य मैंने बताई आपको, सबसे छोटी 2 होती है, उसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। मैंने आपको बताई थी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले परिभाषा भी बता चुकी है अभाज्य और भाज्य के बारे में, कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य कहलाती है, और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, अभाज्य होती है, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य होती है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। इनके अलावा जो संख्या बची वो क्या कहलाएगी, भाज्य। आपको ये बताया था मैंने, एक ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य होती है। तो अब 2, 3 के बाद क्या बची, यहाँ 4, 5 आई गए हैं, यहाँ 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 आई गया, 12, 13 के बाद है 14, 15, 16 और 18। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसमें आ गई, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 8, 18, क्योंकि 1 को लेंगे नहीं और 20 से छोटी लिखनी है, तो 20 के लिए भी आपको नहीं लिखना। तो 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य ही बतानी है आपको। ठीक है, अब है इसका पांचवा प्रश्न। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में, अभी मैंने आपको अभाज्य और भाज्य में बताया, इसी में से आप बता सकते हो। 1 और 10 के बीच में, देखो अभाज्य में ये 10 से बड़ी आ गई, तो 1 और 10 के बीच में ये 4 अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5 और 7, इनके बीच में सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 7। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 7। तो 5 इसका आंसर क्या आ गया आपका, क्या है, 7। ठीक है, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है। ठीक है, धन्यवाद।